मुंबई एटीएस के हत्थे चढ़ा विकास दुबे का साथी गुड्डन त्रिवेदी। गुड्डन के वकील ने कोर्ट से लगाई गुहार, हवाई यात्रा से भेजे जाए। 21 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया गुड्डन त्रिवेदी। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। विकास दुबे के खासम खास गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू त्रिवेदी को मुंबई पुलिस ने ठाणे में गिरफ्तार किया था। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराने के बाद अब यूपी पुलिस उसके गुर्गों पर कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। विकास दुबे के खासम खास बताया जा रहा है। गिरफ्तारी में सबसे अहम भूमिका इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और फिलहाल मुंबई एटीएस की जुहू यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर दया नायक की खूब चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है गुड्डन त्रिवेदी साल 2001 में हुई राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या में भी विकास दुबे के साथ शामिल था। गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू त्रिवेदी को लाने के लिए यूपी पुलिस मुंबई रवाना हो चुकी है। फिलहाल सोमवार को ठाणे कोर्ट में पेश किया गया, जहां 21 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गुड्डन त्रिवेदी और यूपी पुलिस के कस्टडी में देने से पहले आरोपी का कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद जेल में उसे रखा जाएगा। यूपी पुलिस का इंतजार है क्योंकि पूरा मामला यूपी में दर्ज है। हालांकि यूपी पुलिस ने कल एक स्टेटमेंट जारी की थी, उनके किसी भी केस में वांटेड नहीं है बताया जा रहा था। फिर भी गुड्डन त्रिवेदी की होने की खबर से जुहू एटीएस हरकत में आई क्योंकि उनकी तस्वीर खुद कानपुर पुलिस ने जारी की थी। ये जो वाकया जो है, जो आरोपी जो है दहशतवादी ने पकड़ा है, जो एटीएस ने जी खाली नेट में वो लोग का फोटो होने के माध्यम से पकड़ा है, तो इसके लिए जुडिशियल कस्टडी दो। तो जुडिशियल कस्टडी उनको 21 जुलाई तक दिया है, तो 21 जुलाई के भीतर वो उसमें रिमांड एप्लीकेशन में पैरा 4 में लिखा है कि हमने इसकी जानकारी यूपी पुलिस को दी है, तो यूपी पुलिस ऑन द वे है, वो जब भी आ जाएगी तो उसका वो ट्रांजिस्ट रिमांड ले लेंगे जुडिशियल कस्टडी से। मैंने एक रिक्वेस्ट की है आरोपी के लिए, आरोपी के रिश्तेदार की तरफ से, कि जो आरोपी जो है उनका भरोसा हट गया है रोड से जाने के लिए, क्योंकि थाना से जो कानपुर है कि जाने आने के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, और जाने आने पर बारिश भी ज़्यादा है, बारिश में जैसे एक्सीडेंट भी हो सकता है, जैसा विकास दुबे का गाड़ी फिसल गई थी तो ऐसा वाकया हो गया, ऐसा वाकया ना हो इसके लिए आरोपी की तरफ से मैंने एक एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में कि उसको बाय एयर से लखनऊ एयरपोर्ट या कानपुर एयरपोर्ट, महाराष्ट्र से कानपुर या लखनऊ एयरपोर्ट जाके उधर प्रोड्यूस करे कोर्ट में। ये हमने जानकारी रखी, देखो आरोपी का फंडामेंटल राइट है, उनके मन में भय है, भीति है कि ताकि हमारे साथ भी ऐसा टेक्निकली कुछ ना हो। वकील का कहना है हमने एप्लीकेशन दिया है गुड्डन त्रिवेदी को बाय रोड थाने से कानपुर ना ले जाया जाए बल्कि हवाई यात्रा से ले जाया जाए। इस पूरे मामले में अभी तक यूपी पुलिस कई लोगों को इनकाउंटर कर चुकी है। गुड्डन त्रिवेदी माना जा रहा है विकास दुबे का एक पुराना साथी है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।